जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन्हें नामी बांग्लादेश में एक मल्टी रोल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है और इसके साथ ही इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे भी अभी 5 दिन के बांग्लादेश विजिट पर हैं। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के इस ज्वाइंट एक्सरसाइज और इंडियन आर्मी चीफ की बांग्लादेश विजिट के बारे में डिटेल में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडियन आर्मी की इस एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तानी आर्मी को हरा कर ईस्ट पाकिस्तान को 16 दिसंबर 1971 को आजाद करा दिया था। इसी ईस्ट पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इससे आप ये जान गए होंगे कि 2021 में बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल यानी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। इससे पहले 26 मार्च और 27 मार्च 2021 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश विजिट की थी, जहां PM मोदी ने बांग्लादेश की PM शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। बांग्लादेश की आजादी के इसी सेलिब्रेशन के लिए बांग्लादेश ने इंडिया से एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया बांग्लादेश की इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम शांतिर अग्रसेना है, जिसका मीनिंग फ्रंट रनर ऑफ पीस है। ये एक्सरसाइज रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन के ऊपर की जा रही है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इंडियन आर्मी को UN पीस कीपिंग ऑपरेशन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और अभी इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रूप्स UN पीस कीपिंग मिशन में भेजता है। अभी इंडियन पीस कीपर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC, साउथ सूडान, इसराइल और लेबनान के UN पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉयड हैं। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी अपने UN पीस कीपिंग एक्सपीरियंस को बाकी आर्मीज के साथ शेयर करेगी। ये एक्सरसाइज 4 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश के बंगबंधु सेना निवास में शुरू की गई है और ये एक्सरसाइज 4 से 12 अप्रैल तक सिलहट डिवीजन के जलालाबाद कैंटोनमेंट में चलेगी, जो कि ढाका से 240 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की डोगरा रेजिमेंट के 30 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के अलावा इस एक्सरसाइज में बांग्लादेश आर्मी, रॉयल भूटान आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में US, UK, टर्की, रॉयल सऊदी अरेबियन आर्मी, कुवैत और सिंगापुर के मिलिट्री ऑब्जर्वर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे की बांग्लादेश विजिट पर। एक्चुअली जनरल नरवणे की विजिट के दो मेन पर्पस हैं। पहला, बांग्लादेश गवर्नमेंट की सीनियर मिनिस्टर से मिलना और दूसरा, इस एक्सरसाइज की क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना। जनरल नरवणे की ये विजिट 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक की है। अपनी विजिट में सबसे पहले यानी 8 अप्रैल 2021 को जनरल नरवणे ने 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स के सम्मान में ढाका कैंटोनमेंट के शिखा अरिंदम वॉर मेमोरियल पर रथ लिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जनरल नरवणे बांग्लादेश के तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। जनरल नरवणे बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की याद में बने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम में विजिट भी करेंगे। 11 अप्रैल 2021 को जनरल नरवणे बांग्लादेश आर्मी के ढाका की मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स में चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल ऑफ UN पीस कीपर्स पर एक लेक्चर देंगे। इसके बाद जनरल नरवणे माली, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस के चीफ, जिन्हें फोर्स कमांडर कहा जाता है, उनसे भी मिलेंगे। अपनी विजिट के फाइनल दिन यानी 12 अप्रैल 2021 को जनरल MM नरवणे बांग्लादेश आर्मी के चीफ के साथ एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना की क्लोजिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना में पार्टिसिपेट करना और इंडियन आर्मी जनरल MM नरवणे की बांग्लादेश विजिट इन्हें बांग्लादेश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना लगातार बांग्लादेश को इंडिया से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इंडिया ने बांग्लादेश से इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।